नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थूरिया। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसान संगठनों का आंदोलन बिखराव के कगार पर पहुंच गया है। लगभग 8 महीने से चल रहे आंदोलन में किसान संगठनों और किसान नेताओं के बीच टकराव अब खुलेआम सामने आ गया है। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा से अब किनारा कर लिया है और मोर्चा से अलग होने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने किसान नेताओं योगेंद्र यादव और शिव कुमार कक्का पर निशाना साधा है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के 4 संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चडूनी ने संयुक्त किसान मोर्चे से अलग होने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने साथ हुए भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। दरअसल पंजाब के 4 संगठनों के द्वारा चडूनी के नेतृत्व में सक्रियता दिखाना संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ नेताओं को रास नहीं आया, तो इन 4 संगठनों के खिलाफ कार्रवाई से चडूनी बिफर गए। गुरनाम सिंह चडूनी ने सोशल मीडिया के जरिए अपना एक बयान जारी करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा में पहले दिन से ही मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। कई घटनाएं ऐसी हुई जब मुझे बाहर करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वही गतिविधि किसी और ने की तो उनके खिलाफ मोर्चे ने कोई एक्शन नहीं लिया। पंजाब की 4 जत्थेबंदी हमारे साथ जुड़ी थी, जो डेरा बाबा नानक से बड़ा जत्था लेकर आए थे। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप लगाते हुए चडूनी ने शनिवार की बैठक का भी बहिष्कार किया था। चडूनी से मोर्चा पर उनकी शिकायतों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। मिशन पंजाब के बारे में सार्वजनिक रूप से घोषणा करने, लोगों से मिलने और किसानों को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पहले ही जुलाई में निलंबित कर दिया गया था। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी ने यह स्पष्ट किया है कि वो बैठकों में लिए गए सभी फैसलों का पालन करना जारी रखेंगे और उनका इरादा किसान आंदोलन को कमजोर करने का नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।